नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो मौजूद हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में HRTC के लिए बड़ी खुशखबरी है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी भी ये खबर रहने वाली है। क्या खबर है विस्तृत रूप से आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो सरपट दौड़ने लगी HRTC, पिछले साल से 15 करोड़ रुपये ज़्यादा कमाई। लगातार घाटे में चल रही HRTC के अच्छे दिन आने लगे हैं। आर्थिक तौर पर HRTC सरपट दौड़ने लगी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की इस वित्त वर्ष की शुरुआत बेहतर हुई है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी। पथ परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उसने पिछले साल अप्रैल और मई महीने में जो कारोबार किया था, उससे अधिक इस साल अप्रैल और मई में 15 करोड़ अधिक की कमाई की है। अप्रैल महीने में इस बार HRTC ने 72 करोड़ 50 लाख का राजस्व जुटाया है। वहीं मई महीने में निगम ने 84 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया। इन दो महीनों में पिछले साल के मुकाबले 15 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व जुटाया गया है, क्योंकि तब अप्रैल में लगभग 66 करोड़ और मई में 76 करोड़ का राजस्व आया था। इससे साफ है कि HRTC प्रबंधन द्वारा कारोबार में बढ़ोतरी के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उससे उसे लाभ होने लगा है। इसी तरह से यदि साल भर परिवहन निगम का राजस्व बढ़ता है, तो उसकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है, जो मौजूदा समय में खराब है। निगम करोड़ों रुपए के घाटे में है और इस वजह से वो अपने कर्मचारियों का वेतन जहां समय पर नहीं दे पा रहा है, तो वहीं पेंशनर भी अपने वित्तीय लाभों के लिए तरस रहे हैं, जिन्हें संघर्ष की राह पर भी चलना पड़ रहा है। सरकार से ग्रांट लेकर परिवहन निगम की गाड़ी चल रही है। हालांकि यह निगम आम आदमी की सहूलियत के लिए है और सरकार का सामाजिक दायित्व पूरा कर रहा है, मगर फिर भी उसकी आर्थिक सेहत उसके लिए बेहद मुश्किलें खड़ी कर रही है। तो अभी के लिए ये रही बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।